नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 समाचार चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। जनशक्ति उप सरपंच एवं पंच कल्याण महासंघ प्रदेश अध्यक्ष संतोष रहंगडाले एवं छिंदवाड़ा जिला अध्यक्ष एवं छिंदवाड़ा प्रभारी उज्जैन संभाग प्रभारी देवास जिला अध्यक्ष ब्लॉक अध्यक्ष नर्मदापुरम जिला अध्यक्ष ब्लॉक अध्यक्ष भोपाल संभाग अध्यक्ष जिला अध्यक्ष द्वारा 200 उप सरपंच पंच के साथ एवं जिला पंचायत सदस्य जनपद सदस्य सरपंच के द्वारा तमाम 500 पदाधिकारी ने भाजपा ज्वाइन किया। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा एवं विश्वास सारंग पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं अनेकों सांसद विधायक के माध्यम से भाजपा एकादि के रूप में सदस्यता दिलवाया और कहा कि पूरे हिंदुस्तान में 400 की गारंटी है। बालाघाट जिला के लालजी ब्लॉक के विधायक राजकुमार करहे जी के सहयोग से यह सदस्यता अभियान चलाई गई। विधायक द्वारा भाजपा सदस्यता अभियान से खुश होकर सदस्यता मुहिम चलाई गई। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अब की बार हम बालाघाट जिले से आए हैं और छिंदवाड़ा से आए हैं। बालाघाट जिले के पंच उप सरपंच और तमाम जिले के पंच उप सरपंच ने आज भाजपा की सदस्यता ली है। क्यों ली है, इसकी भी वजह है कि भाजपा जो करती है वो कहती है, और भाजपा ने ऐसे बहुत सारे कार्य किए हैं जिससे प्रभावित होकर के पंच उप सरपंच ने और काफ़ी लोगों ने आज सदस्यता ली। भोपाल के भाजपा कार्यालय, भोपाल के पूरे मध्य प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष बीडी शर्मा जी एवं तमाम पदाधिकारी, माननीय मुख्यमंत्री विश्वास सारंग जी और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय समस्त पदाधिकारियों के समक्ष आज भोपाल के भाजपा कार्यालय में सभी लोगों ने आज सदस्यता लिया है। हमें पूर्ण विश्वास है कि भाजपा इस बार 400 पार होके आएगी। क्यों आएगी, कि राम जी की कृपा है, राम जी की छत्र छाया है भाजपा पे। क्योंकि मैं अभी 14 जिले का भ्रमण अपने मोटरसाइकिल से किया हूँ, मैंने देख के आया हूँ। बालाघाट से अयोध्या की ओर प्रस्थान किया। अयोध्या नगरी में जो मोदी जी की देन है, जो वहाँ पे मंदिर का निर्माण हुआ, 370 का मामला भी हटा, ऐसे अनेकों मामले हैं जिन्होंने मोदी जी ने किया है। और मोदी जी के ऊपर पूर्ण विश्वास है हमें कि मोदी जी प्रधानमंत्री अगर रहेंगे तो हमारे देश की तरक्की होगी और कुछ कर सकते हैं। अब रही बात विकास की, तो ऐसा विकास किया उन्होंने, अब कुछ कमी रह गई तो उन्हें पूर्ण इस वर्ष और ये 5 सालों में कर देंगे। समस्त क्षेत्रवासी एवं ब्लॉकवासी, जिलेवासी और संभागवासी, प्रदेशवासियों से निवेदन है कि भाजपा को सपोर्ट करें और भाजपा को लाए, क्योंकि भाजपा ही एक आधार बचा है। कांग्रेस तो परिवार में ही सिमट के रह गई है, और तमाम कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता, छोटे मोड़े सभी लोग ने धीरे धीरे आ रहे हैं। आपने देखा है छिंदवाड़ा जिले का सुपड़ा साफ हो गया है और अनेकों जिला का सुपड़ा साफ हो चुका है। मुझे लगता है पिछली बार मध्य प्रदेश में एक ही सीट आई थी, अब वो एक सीट भी नहीं आने वाली कांग्रेस में, क्योंकि हम पंच उप सरपंच के प्रदेश अध्यक्ष संतोष रहंगडाले, हम पूरे मध्य प्रदेश में नहीं पूरे भारत में मुहिम चलाएंगे, पूरे भाजपा की सदस्यता दिलाएंगे और गांव-गांव में जाकर के हम भाजपा के लिए कार्य करेंगे, भाजपा के लिए प्रचार करेंगे और भाजपा के को जिताएंगे। और जो भाजपा का प्रत्याशी होगा वो हमारा प्रत्याशी होगा, भाजपा का चाहे कोई भी जिले का हो, कोई भी प्रदेश का हो, हम उसके लिए प्रचार करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं भाजपा को सपोर्ट करूंगा और भाजपा के काफी लोगों को आज सदस्यता दिलाया हूं और दिलाऊंगा। मैं यही वचन, यही शपथ के साथ शुद्ध अंतकरण से आज मैंने भाजपा की सदस्यता ली है और मैं पूर्ण रूप से निभाऊंगा। मेरा नाम संतोष रहंगडाले है और जनशक्ति उप सरपंच संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और बालाघाट जिला है, और हमारे भाई छिंदवाड़ा से है, हमारे भाई पीछे जिला अध्यक्ष छिंदवाड़ा से, हमारी बहन बालाघाट से है, और पीछे भी हमारे जो बालाघाट से, हम इस समय यहाँ पे
आए हुए हैं भोपाल में और यहाँ काफी लोग आए थे, बहुत लोग आए थे, कम से कम आज 500 लोगों के लगभग यहाँ पे सदस्यता लिए हैं। तमाम सदस्यता अभियान चल रही है और यही मुहिम है, चल रही है, भाजपा की लहर रही है और भाजपा के लिए एक होकर के सब लोग काम कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, बने रहे हेडलाइन 24 समाचार के साथ। नमस्कार, ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।